मुस्लिम लीग नून को इकतदार मिला तो नवाज शरीफ ही अगले वजीर आजम होंगे। मुल्क जादू टोने से नहीं, नवाज शरीफ की मेहनत से ठीक होगा। अवाम ने मैंडेट दिया तो मुल्क के लिए जान लड़ा देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, बोले 2018 में जर्दू चला, धांधली से बेरूपीए कामयाब कराए गए। साबिक हुकूमत मुआशरे में जहर घोलती रही। चेयरमैन पीटीआई ने 190 मिलियन का फ्रॉड करके पैसे जेब में डाल दिए। मैंने उस जमाने में बाज बड़े बड़े अफसरान को कहा, आज आप इमरान खान न्याजी को लाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने पर तुल गए हैं। मेरी बात याद रखना कि वो वक्त आएगा कि जब इमरान न्याजी जब अपना असल मकरूह चेहरा आपको दिखाएगा तो आपको नवाज शरीफ फरिश्ता नजर आएगा। उसको वजीर आजम बनवाया गया झुरलू इलेक्शन के जरिए और उस शख्स ने 4 साल टांग पे टांग रखकर दिन रात चोर डाकू की गर्दन करता रहा। आईएमएफ के साथ मुआहदा किया, उस मुआहदे को तोड़ा और सारा उसका बोझ हमारी हुकूमत के ऊपर डाला। इससे बड़ी मुल्क के साथ साजिश क्या हो सकती है? पाकिस्तान में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया, निपटने के लिए दिन रात काविशे की। 100 अरब रुपए हमने वफाक से पूरे पाकिस्तान में जहां जहां सैलाब ने लाखों करोड़ों लोगों को मुतासर किया था वहां पर हमने इमदाद पहुंचवाई। लेकिन इस शख्स ने पाकिस्तान का आईएमएफ से मुआहदा तोड़ने के लिए जो साजिश की के दो सूबों में अपने वज़राए खजाना को कहा कि आपने आईएमएफ के लिए खत जारी नहीं करना। मेरे नौजवान साथियों, इससे बड़ी मुल्क के साथ साजिश क्या हो सकती है?